Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स क्विज बाय फोरम आईएएस। डेली करंट अफेयर्स के पांच टॉपिक लेते हैं हम, जो प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। और आज का पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है आसामीज गमोसा पे। क्वेश्चन नंबर वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू आसामीज गमोसा। ठीक है, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, कई बार न्यूज़पेपर में आता रहता है ये। स्टेटमेंट वन, इट इज ए वैरायटी ऑफ आसामीज टी। ठीक है, स्टेटमेंट टू, इट हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। आसामीज गमोसा क्या है? ये टी नहीं है, पहली बात तो ये है। कभी आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर इस तरह कोई डिग्निटरी जाता है आसाम में, तो उसको एक गमोसा गिफ्ट किया जाता है, ऐसे गले पहनाया जाता है। तो बेसिकली इसको गमोसा बोला जाता है आसाम में। अगर आप यूपी बिहार में आए तो इसको गमछा बोला जाता है। तो गमछा, गमोसा या गमछा असम का एक आइडेंटिटी है, वहाँ कल्चर का आइडेंटिटी है। जो भी उसको यूज़ करता है, आप समझ लें कि वो मोस्ट प्रोबेबली असम से बिलोंग करता है। इसका बता दूं मैं आपको कि ये सफ़ेद रंग का होता है ये। ठीक है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप का होता है, उसका जो बाउंड्री होती है ये लाल रेड कलर में इसकी बाउंड्री होती है, ऐसे करके कुछ। ठीक है, इसको बोलते हैं असामीज गमोसा, ये टी नहीं है। और इसको द ईयर 2022 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। मीन्स की किसी और रीजन से कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, मीन्स की कोई तमिलनाडु में बैठ के इस गमसा को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता और ये कह के नहीं बेच सकता कि ये आसाम का है। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, टू ओनली। क्वेश्चन नंबर टू, विथ रेफरेंस टू कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये बात हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। स्टेटमेंट वन, इट इज अ टाइप ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। स्टेटमेंट टू, इट इवॉल्व्ड फ्रॉम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्हिच वाज नेवर रेटिफाइड ड्यू टू विथड्रॉवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, ये जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जैसे यहां पे बात की गई, ट्रांस पैसिफिक मीन्स कि जो पैसिफिक है, पैसिफिक के दोनों साइड की कंट्रीज इसमें हैं। इस एफटीए में आपको इधर से कैनेडा है, ठीक है, ईस्ट पैसिफिक से, फिर मैक्सिको है, चिले है, पेरू है इधर से। ठीक है, अगर आप इधर आ जाएं पैसिफिक वेस्ट साइड में, तो यहां से जापान है, जापान है, मलेशिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज इसमें हैं। तो पहले ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था जिसमें यूएस भी था, लेकिन यूएस के कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑपोजिशन के चलते ये इस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को, इस एफटीयू को यूएस ने रेटिफाई नहीं कर पाया अपने यहां। अभी इसमें यूके भी आ गया है, ठीक है, हालांकि यूके पैसिफिक कंट्री नहीं है, बट स्टिल यूके इसका पार्ट हो गया है अब। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, विथ रेफरेंस टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, इट इम्पोसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। नॉन फॉरेस्ट पर्पस क्या हो सकता है? लीनियर प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट, लाइक रेलवेज का, रोड का, कोई इंडस्ट्री वहां पर लगने जा रही है, कोई सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो रहा है। स्टेटमेंट टू, अंडर दिस एक्ट द होल पावर इज इन द हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट द लॉज ऑफ दिस एक्ट। स्टेटमेंट थ्री, अंडर दिस एक्ट एन एडवाइजरी कमिटी मे बी फाउंड फॉर एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देखिए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर कभी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए डाइवर्ट करना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। और इसमें पहले अगर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट क्लियरेंस देगा, और फिर एक फंड है कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड कंपा फंड यहां पे है, तो कंपा फंड में जो भी डाइवर्सन होगा, तो जिस फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया जा रहा है उस फॉरेस्ट का जो वैल्यू है उतना फंड इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, और इस फंड का इस्तेमाल किया जाए कहीं पे और एफोरेस्टेशन में। ठीक है, तो
तो यहाँ पे कंपा की बात हो रही है, तो कभी भी अगर नॉन फंड पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है तो क्लियरेंस लेना पड़ेगा, कंपा में फंड डोनेट करना पड़ेगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि अंडर दिस एक्ट द होल पावर इज इन द हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि आप देखें यहाँ पे अगर एमओई से क्लियरेंस लिया जा रहा है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा। ठीक है, स्टेटमेंट थ्री भी सही है क्योंकि इसमें एडवाइजरी कमिटी बनाई जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए जब भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर फोर, विथ रेफरेंस टू यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, इट इज पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। स्टेटमेंट टू, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। स्टेटमेंट थ्री, इट विल हेल्प फार्मर्स लेवरेज देयर लैंड एंड यूज इट एज ए कोलैटरल टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, वेरी कॉमन सेंस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फोर, लैंड पार्सल्स ऑफ ओनली रूरल एरियाज आर कवर्ड अंडर यूएलपीआईएन। अब देखें जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है इसको बोला जाता है एक तरह से भू आधार। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको बोला जाता है भू आधार क्योंकि सभी जमीनों के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जैसे आधार है हमारे लिए आपके लिए, जिसमें कि हमारा जो नंबर होता है वो यूनिक होता है, कहीं कोई किसी और को ऐसा नंबर नहीं दिया जाता है। उसी तरीके से देश भर में जितने भी लैंड के पार्सल्स हैं उनके लिए भी भू आधार डेवलप किया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक लैंड का एक ही रजिस्ट्रेशन रहेगा। स्टेटमेंट थ्री, इट विल हेल्प फार्मर्स लेवरेज देयर लैंड एंड यूज इट एज ए कोलैटरल टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। देखिए इंडिया में लैंड डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो अगर भू आधार हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो ऑनर है ऑनरशिप को लेके क्लैरिटी हो जाएगी, तो उस जमीन को कोई बेच सकता है, उस जमीन के कोलैटरल रख के कोई उस पर लोन ले सकता है, या फिर जो कॉरपोरेट्स हैं कॉरपोरेट फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, तो बड़े लेवल पे लैंड को लीज करके फार्मिंग उस पर किया जा सकता है। तो अगर सारे लैंड पार्सल्स का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाए उसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो उसका ओनर है उसके लिए। स्टेटमेंट फोर कि सिर्फ रूरल एरियाज के ही लैंड पार्सल्स को कवर किया गया, ये गलत है क्योंकि मैं हमेशा आपको मैं एडवाइस करता हूं कि कहीं भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए हैं लाइक ओनली, ठीक है, इस पर आप ध्यान दें। ये जो इनिशिएटिव है ये रूरल एरियाज के लिए भी है और अर्बन एरियाज के लिए भी है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, इसमें वन टू थ्री करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी, वन टू एंड थ्री ओनली। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फाइव, लास्ट क्वेश्चन आज का, विथ रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी बिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टैट्यूटरी बिल काफी न्यूज में है अभी। स्टेटमेंट वन, स्टैट्यूटरी बिल इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट टू, वंस ए स्टैट्यूटरी बिल इज गारंटीड टू द अक्यूज्ड ही शी बिकम्स इनएलिजिबल फॉर रीअरेस्ट। ठीक है, देखिए स्टैट्यूटरी बिल क्या होता है, अगर आपने कोई भी किसी भी एलिगेशन है क्राइम का, क्राइम जैसे कि जिसमें कि लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है या फिर कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है, उसमें जो पुलिस को टाइम होता है इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट फाइल करने का वो टाइम होता है 90 डेज का। ठीक है, चार्जशीट फाइल करने का जो टाइम होता है 90 डेज का होता है। अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है अगर उसने 90 दिन में चार्जशीट अपने फाइल नहीं किए तो जो भी एक्यूज्ड है जो अभी जेल में जिसको इमिडिएटली अरेस्ट करके जेल में डाला गया है वो उसको बेल मिलेगा, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बेल। ठीक है, अगर उसको 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया तो इसको डिफॉल्ट बेल उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बेल। कभी भी उस केसेस में लागू होता है जब भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है ये अपना चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट्यूटरी बेल है इट इज राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो अंडर आर्टिकल 21 जो आपको लिबर्टीज है उसमें स्टेट्यूटरी बेल को भी इंक्लूड किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट ऑफकोर्स अगर आर्टिकल 21 में है सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, मीन्स की स्टेट्यूटरी बेल जो है आपका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है आपका। स्टेटमेंट वन करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, देखें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी को स्टैट्यूटरी बेल मिल गया है तो वो इनएलिजिबल हो जाए। अगर आगे चल के
देखिए, अगर 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ दिन बाद अगर चार्जशीट फाइल होती है और उसमें उसको इम्प्लीकेट किया जाता है, उस आदमी को या उस औरत को दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है, करेक्ट ऑप्शन होगा A1 ओनली। तो ये था हमारा डिस्कशन क्विज का, थैंक यू वेरी मच।